अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है मालपुआ रेसिपी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही इजी तरीके से बताई हूँ मैंने आप सभी के लिए। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मुझे कोई भी अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और वीडियोज़ बनाने के लिए। प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए कैसी रेसिपी है, कैसी आपको रेसिपी चाहिए प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो मालपुआ बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक बड़ा बाउल। तो हमने मैदा लिया है एक कटोरी, आधी कटोरी हमने सूजी ली है। तो हम मैदे को डाल देंगे पहले। एक कटोरी मैदा हमने डाल दिया है, बारीक कोली सूजी रवा लिया है वो डाल देंगे, और मावा लिया है एक कटोरी, अच्छे से उसे घीस लिया था मैंने, कद्दूकस कर लिया था थोड़ा सा, फ्रीज़र में रखा हुआ था इसलिए। तो हम मिक्स कर लेंगे मावे में सबको अच्छे से, गाँठ हमें होने नहीं देना है। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध मिलाएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल गरम किया हुआ दूध मैंने लिया है। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए सब मावा सूजी और मैदे को मिक्स करते जाएंगे। गाँठ हमें होने नहीं देना है, हमें जितना दूध लगेगा उतना थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमें पतला बैटर करना है। मैंने इससे फेंट लिया है अच्छे से दूध, मुझे 2 से 3 कटोरी लग गया है। देखिए आपको कैसे लगता है, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डाल दीजिए। हमें देखिए ऐसे एकदम पतला भी नहीं ऐसे चाहिए बैटर। हम इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा बैटर कितना मस्त लग रहा है। तो हम थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट करने दीजिए, जब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी के लिए हमने एक बर्तन लिया है। अब बर्तन में हम पानी ऐड करेंगे, 1 ग्लास पानी मैंने ऐड की हूँ इसमें। तो हम शक्कर ऐड करेंगे, शक्कर डालेंगे 1 बड़ी कटोरी के हिसाब से मैंने शक्कर डाली हूँ इसमें। तो जितनी शक्कर होंगी उससे 1/2 पानी हमें लेना है। चाशनी हमें ऐसे बनानी, जितनी अगर शक्कर है, समझो 1 बाउल शक्कर लिया है आपने, तो उससे 1/2 पानी हमें डालना है। इलायची पाउडर इसमें मैंने डाल दी हूँ। अब चाशनी बनने दीजिए, पानी को अच्छे से जोश आने दीजिए। शक्कर हमारी पूरी मेल्ट होनी चाहिए, ऐसे हिलाइए बीच बीच में ताकि हमारी शक्कर नीचे चिपके ना। देखिए पानी को हमारे जोश आ चुका है और शक्कर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए इसे पकने दीजिए और चम्मच की मदद से थोड़ा सा चाशनी चेक कीजिए। हमें एकदम तार आने जैसी चाशनी नहीं करनी है जैसे लड्डू को करते हैं, हमें एकदम सिंपल जैसे गुलाब जामुन की चाशनी लेते हैं हम, बिल्कुल भी तार ना टूटे ऐसी, सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए वैसे चाशनी रखना है। तो हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है, चेक कर लीजिए ठंडी होने के बाद में। चम्मच की मदद से थोड़ा सा लीजिए, गरम चाशनी में हाथ मत डालिए, थोड़ा ठंडा होने के बाद में इसे चेक कर लीजिए। तो इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद ये अच्छे से रेडी हो जाएंगी। तो हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। तो हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, अच्छे से कढ़ाई को गर्म होने दीजिए, उसमें का पानी सूख जाने दीजिए। हम इसमें तेल डाल देंगे,
तेल हमें ज़्यादा नहीं लेना है, तेल का एकदम नीचे 1 इंच के हिसाब से बराबर राउंड कढ़ाई के नीचे बैठना चाहिए। इस हिसाब से तेल लीजिए, देखिए मैंने कितना डाला है उस हिसाब से लीजिए, ज़्यादा भी तेल नहीं लगता है इसके लिए। तो हमारा जो बैटर हमने रेडी किया हुआ था वो लेंगे और ये वाले गोल चम्मच से डालेंगे। पहले थोड़ा सा चेक कर लीजिए डाल के, अगर ऊपर आना स्टार्ट हो गया समझो आपका तेल गर्म हो चुका है। तो हम अभी ये निकाल लेंगे जो हमने डाला हुआ है। तो इस गोल चम्मच की मदद से हम बैटर को बराबर धीरे धीरे सेंटर में छोड़ देंगे। बराबर गोल हमें छोटा छोटा छोड़ना है, देखिए इस तरह से। बैटर लीजिए चम्मच में और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी ऊपर मत कीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाता है, डरने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें। देखिए बराबर सर्कल सर्कल एकदम मस्त मालपुए रेडी हो रहे हैं। तेल में डालने के बाद तुरंत हमें चम्मच से इसे हिलाना नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ऊपर आ जाता है। देखिए कैसे ऊपर आ गया है, तेल गर्म होने के बाद ये मालपुए अपने आप ऊपर आ जाते हैं। और स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा चिपकेगा नीचे, बट वो बाद में अपने आप तुरंत ऊपर आ जाएगा, इसलिए डालने के साथ हमें चम्मच से हिलाना नहीं है। जब वो ऊपर आ जाए तो हमें पलटी करना है, उसका कलर चेंज हो जाता है नीचे से। फिर देखें कैसे कलर चेंज हो गया है, हमें एकदम गोल्डन गोल्डन कलर करना है मालपुए का। तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए और एकदम स्पंची फूला फूला होता है, देखिए कैसे फूल गए मालपुए, एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है, घर में ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, सभी को पसंद आती है रेसिपी। देखिए हमारे मालपुए रेडी हो चुके हैं, कैसे गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो हमें दूसरा 1 चम्मच से इसे थोड़ा सा दबा के सब तेल इसमें का निकाल लेना है और अच्छे से इसे सभी को दबाते हुए तेल निकाल लेना है। सिर्फ थोड़ा सा दबाना है, हल्का सा, हमें इसे फोड़ना नहीं है। तो हमने इसी तरह से सब निकाल लिए हैं, सभी मालपुओं को हमने निकाल लिए हैं। तो हम ऐसे ही बाकी सब मालपुए भी रेडी कर लेंगे। धीरे धीरे इस बैटर को कढ़ाई में डाल देंगे तेल में, तो बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही इजीली इसे बना सकते हैं घर पे, बहुत ही इजीली इसे रेडी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो बाकी सबको भी हम इसी तरह से पलटी कर लेंगे और इसे भी अच्छे से गोल्डन होने दीजिए। तो देखिए हमारे मालपुए रेडी हो चुके हैं, तो हमें इसे चाशनी में डालना है। देखिए कितने फूले फूले और कलर बहुत बढ़िया है, स्पंची हो गए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए। तो हम इसमें गरम चाशनी में इसे डाल देंगे। चाशनी हमने पहले रेडी की हुई थी, इसलिए मैंने इसे दोबारा से थोड़ा सा गरम कर लिया है। गरम चाशनी में जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। देखिए हमारे मालपुए रेडी हो चुके हैं, तुरंत हमें 5-10 मिनट में मालपुओं को चाशनी में से बाहर निकाल लेना है, ताकि वो चाशनी में घुल ना जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। तो 5-10 मिनट में हम चाशनी से इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया कलर आया है, कितना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार मालपुआ रेसिपी, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी है बनाना। ज़्यादातर लोग बनाने के लिए डर जाते हैं, बट बहुत ही इजी है, 15 मिनट में तो सब मैंने तो बना भी लिया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को रिस्पॉन्स कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरी रेसिपीज़ को और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
अब मालपुए पे थोड़ा सा बादाम, काजू या पिस्ता आप कट करके सर्व भी कर सकते हो। तो कैसी लगी मेरी रेसिपीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय। और आगे आपको कौन सी रेसिपीज़ देखनी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं आप सबके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।